हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग आईफोन 15 लेना चाहते हैं तो पिछले साल जो मोस्ट लव्ड स्मार्टफोन था वो था आईफोन 13, और काफी सारे लोगों के आईफोन 13 के ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। उसके पीछे का रीजन ये था, काफी सारे लोग आईफोन 13 को लेना चाहते हैं और 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्डर कैंसिल होंगे वो होंगे आईफोन 15 के। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को आईफोन 15 को बुक करना है, जिसके बाद कि आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लोएस्ट प्राइस के अंदर आप लोग आईफोन 15 को परचेज कर पाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूँ कि आईफोन 15 के ऊपर आप लोगों को ईएमआई का क्या ऑफर देखने के लिए मिलेगा, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन होगा कि नहीं, एंड अगर आप लोग फुल स्वाइप पर परचेज करते हैं तब कितना प्राइस ड्रॉप आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल सारी बातें हम लोग आईफोन 15 के बारे में करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट के। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस साल आप लोगों को सेल कब देखने के लिए मिलेगी। 23 से लेकर 30 सितंबर के बीच में इस साल आप लोगों को सेल देखने के लिए मिलेगी। 2024 में जो दिवाली आ रही है वो आ रही है दोस्तों 29 अक्टूबर को, और दिवाली से लगभग एक महीने पहले आप लोगों को सेल देखने के लिए मिलती है। तो हाई चांसेस है कि सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों को सेल देखने के लिए मिल जाए, या फिर आप लोगों को 28 सितंबर से सेल देखने के लिए मिल जाए। इससे ज्यादा सेल की डेट आगे पीछे नहीं होने वाली है। आईफोन 15 की अगर आप लोगों से प्राइसिंग के बारे में बात कर लूं तो 49,990 ये जो प्राइस है दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि दोस्तों इस प्राइस को बता करके एक हाइप क्रिएट करी जाएगी मार्केट में कि आप लोगों को आईफोन 15 इस प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन इस प्राइस पर काफी कम लोग होंगे जो कि आईफोन 15 को परचेज कर पाएंगे, और उन कम लोगों में आप कैसे परचेज कर सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को अभी थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से आप लोगों को इस प्राइस पर मिलेगा, एंड जो ज्यादातर लोग परचेज कर पाएंगे उन लोगों को 52-53,000 रुपीज के अप्रोक्स आईफोन 15 के बेस वेरियंट को परचेज करना पड़ेगा, जो कि 6GB 128GB वाला वेरियंट आप लोगों को मिलता है। कलर के बारे में अगर आप लोगों से बात कर लूँ, सबसे ज्यादा जल्दी जो आउट ऑफ स्टॉक कलर होगा वो होगा दोस्तों ब्लू कलर। अगर आप लोग उसका ब्लू कलर लेना चाहते थे आईफोन 15 का, तब आप लोग उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो जो है मोस्ट डिमांडिंग कलर है। तो सबसे ज्यादा जल्दी जो आउट ऑफ स्टॉक होगा वो जो है वही वाला कलर होने वाला है। सेम गोज विद आईफोन 13। आईफोन 13 के अंदर जो स्टार लाइट वाला कलर है वो सबसे ज्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो अगर आप लोग आईफोन 15 को लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेज करना चाहते हैं तो वो ब्लू वाले कलर के साथ आप लोगों को नहीं जाना है। अब अगर फटाफट से आप लोगों से कार्ड ऑफर के बारे में बात कर लूं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप लोगों को ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आप लोगों को फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक वाला जो ऑफर है वो आप लोगों को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लें अमेजोन की, तो अमेजोन के ऊपर आप लोगों को SBI एंड HDFC के ऊपर ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो इन कार्ड के ऊपर आप लोगों को ऑफर देखने के लिए मिलेगा। देखिए अब आईफोन 15 किस प्लेटफॉर्म पर आएगा, अमेजोन के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर, इस चीज को लेकर अभी काफी कंफ्यूजन है, एंड ये अभी मैं आप लोग कंफर्म नहीं बता सकता है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को आईफोन 15 देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप लोगों से ईएमआई के बारे में बात कर लूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि जितना डिस्काउंट आप लोगों फुल स्वाइप पर मिलता है उतना ही डिस्काउंट आप लोगों ईएमआई अगर आप लोग बनाएंगे तब भी मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों का फोन जो 45,000 रुपीज का है, अगर 2,500 रुपए का आप लोगों को ऑफ मिल रहा है फुल पेमेंट करने पर, तो वो ऑफर आप लोगों ईएमआई पर भी मिलने वाला है। अब आप लोगों एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात ये बता दूं कि अगर आप लोग ईएमआई पर आईफोन खरीदना चाहते हैं तब ये जो है बिल्कुल भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ईएमआई जो है इस टाइम पर दोस्तों, अगर आप लोग ईएमआई वाले ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं तब आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ती है, आप लोगों को टेनर सिलेक्ट करना पड़ता है, आप लोग कौन सी बैंक से ईएमआई करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये जो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों जिसके अंदर की आप लोग ये कुछ चीजें जो सिलेक्ट करते हैं, ऐसे में होता है कि काफी ज्यादा टाइम आप लोगों को लगता है ये करने में, एंड इतनी देर में जो आईफोन 15 है वो जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ईएमआई वाले ऑप्शन की तरफ अगर आप लोग नहीं जाएंगे तब आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेस कर पाएंगे। ईएमआई अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो 52-53,000 रुपीज के अप्रॉक्स आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइस आएगी स्टार्टिंग में 49,990 ये तो जो लोग फुल पेमेंट कर देंगे उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि ईएमआई जब तक आप बनाएंगे तब तक के तो टाइम आउट करके आप लोगों का ऑर्डर जो है पेंडिंग के अंदर चले जाएगा, एंड 15-20 मिनट बाद आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। हर साल यही होता है, उसके अंदर कोई भी नई बात नहीं। और अगर आप लोग ईएमआई बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश करके देख सकते हैं जिस दिन सेल आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है कि ईएमआई के अंदर आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर आईफोन 15 को परचेस कर पाए। अब अगर आप लोगों से बात कर लूं, वो जो ट्रिक मैं अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बता रहा था कि 49,990 के प्राइस पर आप कैसे परचेस कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों के पास प्राइम मेंबरशिप एंड प्लस मेंबरशिप होना चाहिए। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है उसकी मेंबरशिप आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तब आप लोग अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव से अकाउंट ले सकते हैं, आप लोगों को एक दिन पहले एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं कैच है कि एक दिन पहले काफी सारे लोगों को एक्सेस मिल जाता है। ये जो सेल है ये रात को 12 बजे स्टार्ट होती है, एंड रात को 12 से लेकर के जो 12:30 बजे तक का जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर जितने भी आईफोन आते हैं जो कि लोएस्ट प्राइस के अंदर मिलते हैं वो जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ट्रिक क्या है कि आप लोगों को लगभग 3 मौके मिलते हैं। देखिए रात के 12 बजे से लेकर रात के 12:10 तक आप लोग का जो आईफोन 15 है वो एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। फिर अगर आप लोग 4-5 मिनट वेट करेंगे तो
तब आप लोगों को फिर से वो स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलेगा एंड फिर से आउट ऑफ स्टॉक होगा एंड 12:30 से पहले पहले एक बार फिर से आप लोगों को वो आईफोन उस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर मैं होता क्या कि जैसे एक बार आईफोन 15 आउट ऑफ स्टॉक होगा काफी लोगों को ये लगा कि भाई आज तो फिर से ये फोन जो स्टॉक के अंदर नहीं आएगा एंड काफी सारे लोग जो अपना फोन एंड लैपटॉप फिर बंद कर देते कि अब तो हम लोगों को महंगे प्राइस में परचेस करना पड़ेगा। लेकिन जो 12 से 12:30 बजे तक का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप लोगों को 2 से 3 बार मौके मिलते हैं कि आप लोग जो लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेस कर पाए। यही दोस्तों मेन ट्रिक है आईफोन को यहाँ पर लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेस करने की। दोस्तों बस ये कुछ कहानी थी आईफोन 15 के अभी आने वाली सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।